प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय सेवाओं के लिए चयनित 51,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत आगरा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 211 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। सबसे ज्यादा डाक विभाग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जिसमें इनकी संख्या 176 रही। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 10, जीएसटी के 14, केंद्रीय विद्यालय के 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में पोस्ट मास्टर जनरल राजीव उमराव रहे। नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान अभ्यर्थियों के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। रोजगार मेले का आयोजन आगरा विश्वविद्यालय के खंदारी कैंपस स्थित जेपी सभागार में हुआ। मेरा नाम राजीव उमराव है और मैं यहाँ पोस्ट मास्टर जनरल हूँ और आज हम लोगों का ये नवा संस्करण था रोजगार मेले का। इस मौके पे हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल मुख्य अतिथि थे और आज करीब 211 लोगों को पत्र बांटा गया है। इसके अलावा और कुछ आगे इस कुछ हो रहा है? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी ऐसे मेले ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और राष्ट्र भर में लाखों लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अभी तो बढ़ती घटती रहती है, अलग अलग विभागों का अलग अलग रिजल्ट निकलता है तो बढ़ती घटती रहती है। नहीं, डाक विभाग के लोगों को दिया गया है और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के लोग हैं, साथ में जीएसटी के लोग हैं और केंद्रीय विद्यालय संगठन के लोग हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।